अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपने फायरवॉल का नाम तो जरूर सुना होगा। आखिर ये फायरवॉल है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम फायरवॉल को समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम फायरवॉल की हिस्ट्री को देखते हैं। तो जो पहला फायरवॉल बना था वो अमेरिकन कंपनी सिस्को सिस्टम और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 1980 में डेवलप किया गया था। तब इंटरनेट की स्टार्टिंग ही थी जब पहला फायरवॉल सामने आया। फायरवॉल को भी तीन जनरेशन में बांटा गया है। पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो 1988 में आया, दूसरा स्टेटफुल फायरवॉल जो 1990 में आया, और तीसरा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल जो 1994 में आया। तो इस जनरेशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। अब फायरवॉल है क्या? तो फायरवॉल कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट रखने का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। यह कंप्यूटर को सभी टाइप के वायरस मालवेयर से बचाता है। फायरवॉल नेटवर्क के गेटवे पर लगा होता है। यह नेटवर्क के अंदर और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर को न सिर्फ वायरस से बचाता है, बल्कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो इसे दूसरे के कंप्यूटर में जाने से भी रोकता है। तो इस टाइप से फायरवॉल दोनों तरफ से सिक्योरिटी देता है। फायरवॉल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिस्टम में चारों तरफ से एक दीवार होती है जो आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। तो जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर और फाइल्स होती है उनको सिस्टम में एंटर करने से रोकती है। इस तरह से फायरवॉल हैकिंग और वायरस अटैक से भी बचाता है। अब फायरवॉल काम कैसे करता है? तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा होता है, जिस तरह से किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होता है जो ऑथराइज पर्सन को आने देता है और अनऑथराइज पर्सन को बाहर से ही रोक देता है। कुछ रूल्स के बेस पर ही उन्हें आने जाने की परमिशन दी जाती है। इसी को अगर फायरवॉल में समझे तो फायरवॉल के पास भी एक प्री डिफाइंड रूल होता है जिसके बेस पर ट्रैफिक को आने और जाने की परमिशन मिलती है। जब कोई नेटवर्क में कोई डेटा भेजना चाहता है तो फायरवॉल पहले उस डेटा पैकेट की जांच करता है, उसके बाद सिक्योर डेटा को ही नेटवर्क में भेजता है। जैसे कि हम अपने सिस्टम को यदि इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट सर्वर को खोलने की रिक्वेस्ट आती है। इसी टाइप से वीडियो चलाने पर, फोटो देखने पर, इंटरनेट पर कुछ भी करने पर एक रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, जिसके बाद सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और डेटा को सिस्टम पर भेजती है। ऐसे में जो भी ट्रैफिक सिस्टम के लिए होता है उसे सबसे पहले फायरवॉल से गुजरना होता है। तो इस टाइप से फायरवॉल का काम होता है। अब फायरवॉल कितने टाइप की होती है? तो फायरवॉल तीन टाइप की होती है। पहला होता है आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ये आपके कंप्यूटर में डाला जाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। कुछ एंटीवायरस पहले से ही आपके सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि नए जनरेशन के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, 8, 10, इसमें फायरवॉल पहले से ही इनबिल्ट होकर आता है और ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है ताकि आपका पूरा सिस्टम एकदम प्रोटेक्ट। दूसरा होता है आपका हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की जांच करता है। मान लीजिए कि कंप्यूटर में 10 कंप्यूटर हैं जो एक ही नेटवर्क से जुड़ा है, जहां पर सिर्फ राउटर का यूज किया जा रहा है जिसमें फायरवॉल को अनेबल कर दिया गया है। तो जितने भी कंप्यूटर उस राउटर से जुड़े हैं तो उन सभी में अपने आप फायरवॉल काम करना शुरू कर देगा। अब ये राउटर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दी। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने का काम करती है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क के रूप में डेटा को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। मान लीजिए कि हम किसी को मेल कर रहे हैं या फिर किसी वेब पेज का यूज कर रहे हैं तो ये डेटा पैकेट के रूप में होता है। तो राउटर का काम क्या होता है? राउटर उस डेटा को पैकेट के रूप में रिसीव करता है, उसके बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे पढ़ने के बाद राउटर उसे नेटवर्क एड्रेस तक पहुंचाता है। तो ये होता है राउटर का काम। तीसरा होता है आपका प्रॉक्सी फायरवॉल। ये सबसे ज्यादा सिक्योर फायरवॉल माने जाते हैं। ये फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक पर नजर बनाए रखते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल के पास खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि फायरवॉल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्या हो सकता है। अगर आपसे फर्स्ट जनरेशन की फायरवॉल किस पर बेस्ड होती है ये पूछें तो आपको टिक करना होगा पीसी होस्ट पेज पर। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन फायरवॉल अगर पूछते हैं तो आपको टिक करना होगा नेटवर्क बेस पर होती है, यानी कि सेकंड जनरेशन जो फायरवॉल होती है वो नेटवर्क बेस पर होती है, यानी कि पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। और यहीं पर इस फायरवॉल को मल्टी लेयर फायरवॉल भी कहते हैं। थर्ड जनरेशन फायरवॉल में कीवर्ड और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करना होता है। फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल किस लेयर पर काम करती है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो नेटवर्क लेयर पर काम करती है।
अगर सेकेंड जनरेशन फायरवॉल का पूछे तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है। इसके अलावा अगर प्रॉक्सी फायरवॉल कौन सी लेयर को फिल्टर करती है ऐसा क्वेश्चन आता है तो एप्लीकेशन लेयर को फिल्टर करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर फायरवॉल से रिलेटेड आते हैं तो। इसके अलावा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल किस ओएसआई लेयर पर काम करती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको टिक करना है नेटवर्क लेयर पर काम करती है। तो ये थे वो क्वेश्चन जो फायरवॉल से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। अगर आप किसी जॉब के लिए रिज्यूम बनाने जा रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप से रिज्यूम बनाएं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, जिस पर आपको कई सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप इजीली अपना एक शानदार सा रिज्यूम क्रिएट कर सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, बाय बाय एंड हैव अ गुड लक।